बहन मायावती जी का आरएसएस प्रमुख के डीएनए वाले बयान पर बड़ा हमला। कहा मोहन भागवत का डीएनए वाला बयान किसी के गले से उतरने वाला नहीं है। आरएसएस के इशारे पर चल रही है बीजेपी की सरकारें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन तमाम मुद्दों पर बात की है। उन्होंने कहा कि केंद्र में व उत्तर प्रदेश सहित देश के जिन जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही हैं वो भारतीय संविधान की सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने के बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है, जिस कारण समाज व देश में तथा आर्थिक क्षेत्र में भी हर तरफ बेचैनी, अराजकता, हिंसा, तनाव एवं अफरा तफरी का ही वातावरण व्याप्त है, जो अति दुखद है व स्पष्ट तौर पर यह जनहित के विरुद्ध भी है। इसलिए आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ होने आदि की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे आसानी से उतरने वाली नहीं है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। श्री मोहन भागवत द्वारा देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर उसे कोसना अनुचित, जबकि जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देशहित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन दे रहे हैं उसी का परिणाम है कि यहां जातिवादी, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए है। आरएसएस की भी कथनी व करनी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है, जो सभी को मालूम है। इनकी ऐसी संकीर्ण नीति व कार्यकलापों का बीएसपी तीव्र विरोध करती है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस प्रमुख कल का ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। साथ ही डरा धमका कर व लालच आदि देकर किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना अनुचित व अवैध, लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना यह कतई भी उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा यूपी में भाजपा की सरकार द्वारा अधिकांश जातिगत, धार्मिक व राजनीतिक द्वेष की भावना से जिन मामलों में भी जिनकी संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है उनमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा आम लोगों का भी मानना है। इससे इनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है जो ठीक नहीं है। जैसा कि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा डीएनए और मॉब लिंचिंग के ऊपर विवादित बयान पर बहन मायावती जी ने विरोध जताते हुए कहा कि ये बयान किसी के भी गले से उतरने वाला नहीं है, जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके विरोध में मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना सही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।